ये चल रहा है रेस। खेत में आग लग रहा है। लुक एट द व्यू। सही बताऊं तो जब अकेला पड़ता हूं ना उस देर तो डर सा लगने लगता है। तो राइड स्टार्टेड और थोड़ा टाइम लग गया बाइक पे सारा कुछ पैक करने में। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, गणपति बप्पा मोरिया। तो अब सुबह पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 9 बजे तक। और अभी मैं पुणे रावेत से मैंने राइड स्टार्ट करा है गोवा तक का। एक बार फिर से वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आशीष। आज ये राइड है फ्रॉम पुणे टू गोवा। आज का राइड नाइट राइड है, मतलब रात को मैं राइड कर रहा हूँ। और रात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कल ऑफिस है। तो मैं सोच रहा हूँ गोवा मैं 8-9 बजे तक पहुँच जाऊँ और फिर मैं वहाँ पे कोई होटल लेके फिर कल दिन में काम करूँ, फिर शाम को गोवा घूमूँ। तो आज हो गया वेंसडे, तो वेंसडे का भी मतलब ऐसा समझ लो कि ट्यूसडे का रात का अभी 12:46 हो रहा है। तो पूरा वेंसडे वहाँ रहना है, थर्सडे रहना और फ्राइडे को रिटर्न होना है। अच्छा लग रहा है फिर से एक राइड स्टार्ट हुआ है और अगेन ये एक लॉन्ग राइड है। एक बार जब लॉन्ग राइड का चस्का लग जाता है ना तो फिर बहुत मज़ा आता है, फिर तो मन करता है बार बार लॉन्ग राइड करें। बट ये रोड बहुत ही बिजी रोड है, ये यही आपको एक्सप्रेस वे है। मैं रहता हूँ कीवले में रावेत के पास, तो उसके पास में ही मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। और ये मेरे अपोजिट साइड में ये मुंबई को जाएगी और सीधे ये बेंगलोर तक जाती है। और ये रोड डायरेक्ट मुझे कोल्हापुर होते हुए फिर उसके आगे से कहीं से गोवा के लिए टर्न है। तो यहाँ से जो गोवा का डिस्टेंस दिखा रहा है वो 427 किलोमीटर है। और जो टाइम दिखा रहा है पहुँचने का वो सुबह का 9 बजे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 8.5 घंटे का दिखा रहा है टाइम पहुँचने का। और आज डेट है 22nd of Feb। राइड स्टार्ट करने के तुरंत बाद फ्लो नहीं बनता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप 30-40 किलोमीटर चला ले तो फिर आपका नज़र और हाथ और बाइक सब जम जाता है। तो मैं न्यू कात्रज टनल में एंटर करने वाला हूँ। तो इसके अंदर इससे पहले भी मैं एक जब मैं महाबलेश्वर का राइड किया था तो उसमें यहाँ से क्रॉस किया था। एक अलग ही रोड, अलग ही दुनिया टनल के अंदर। क्या लाइटिंग है यार, मस्त लाइटिंग है टनल के अंदर। इनफैक्ट दिन में आओगे आपको अंधेरा दिखेगा। पहली बार मैं टनल को सही से देख पा रहा हूँ अंदर। पुढ़े टोल प्लाजा आहे, मतलब आगे टोल प्लाजा है। थोड़ी बहुत मराठी आती है मुझे, सीख रहा हूँ मैं भी। बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारा। तो मैं पहुँच चुका हूँ कात्रज के टोल। फ्रेंड्स बहुत मज़ा आ रहा है राइड में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने करा उनके लिए भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी जो, बट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी 2 बजने वाला है, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट बाइक चलाया है और अब मैं ले रहा हूँ एक टी ब्रेक। तो ये था छोटा सा ब्रेक 10 मिनट का, ऑल सेट। टाइम हो रहा है अभी 2 बज गया, 2:10। और गोवा अभी 356 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका
मूड फ्रेश किया और सतारा में पहुंच चुका हूँ। और ये देखिए हेलो गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं रात को वीडियो एंड नहीं कर पाया, तो कुछ पंगा हो गया। स्टोरी ये हो गया कि मुझे इतनी ठंड लगने लगी, मेरा राइडिंग जैकेट भी काम नहीं कर रहा था और मैंने राइडिंग बूट भी नहीं पहन रखा था कल जब मैं पुणे से निकला, तो इतनी ठंड लग रही थी कि मैं बस फिर सतारा पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने सतारा में एक होटल लिया जो कि सुबह 6 बजे मैंने लिया होटल, 5 से 6 के बीच में, और मेरी ठंड से ऐसी हालत हो गई थी पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था और मैं आके बस सो ही गया। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर। तो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय राइड फ्रॉम पुणे टू गोवा, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल रात में आज रात में राइड स्टार्ट करी थी और टेक्निकली दिस इज़ द फर्स्ट डे ओनली। बस मैंने बीच में कुछ ब्रेक लिया 5-6 घंटे 7 घंटे का और अब मैं फिर से राइड स्टार्ट कर चुका हूँ। तो डेट है आज 22nd of February आई थिंक, यस सेम डेट। हाँ तो हुआ यूँ कि मैं सुबह को 5 बजे के आसपास मैं सतारा के आसपास पहुँचा था और इतनी ठंड लग रही थी राइडिंग बूट नहीं पहना था मैंने, मेरे पूरे पैर सुन्न हो गए थे। राइडिंग गियर में, राइडिंग जैकेट में मैंने अंदर भी विंटर वाला लेयर लगा रखा था, बट फिर भी इतनी ठंड लगी कि मेरा बॉडी सुन हो गया। और फिर मैं बगल में एक होटल दिख गया तो मैंने कहा कि अब स्टे करना ज़्यादा बेटर होगा और मैं सीधे रूम में गया और कम्बल ओढ़ के लेटा और फिर मुझे नींद आ गई। तो ये था, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। और फिर सुबह उठा ऑलमोस्ट, मतलब 6 बजे के अराउंड मैं सोया हूँ और फिर 9:30 के अराउंड उठा हूँ मैं, आधे घंटे में फ्रेश होकर फिर मैंने ऑफिस स्टार्ट कर दिया। 10 बजे से मेरी ऑफिस थी, नो छुट्टी, सिर्फ ऑफिस करना ही पड़ा क्योंकि मैं रन ऑफ कच्छ भुज के लिए मैं जब जा रहा था तो मैंने ऑलरेडी छुट्टी ले लिया था, तो अब छुट्टी मिलना मुश्किल था, तो इसलिए मेरे को ऑफिस करना पड़ा। और फिर ऑफिस करने के बाद मैं, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे तक ऑफिस करा 10 बजे से, और अभी भी छुट्टी नहीं है बट ये है कि मेरी 6 बजे तक ऑफिस रहती है, तो अब जो रिमेनिंग वर्क है मैं रात में गोवा पहुंचने के बाद कर लूँगा। तो ऑल सेट, ऑफिस भी सेट, तो अब राइड स्टार्ट कर दिया मैंने। और अभी मैंने मैप नहीं लगाया है एक्चुअली, जस्ट राइड स्टार्ट ही करा है। मैं मैप लगाता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको कि यहाँ से गोवा कितना किलोमीटर है और कब पहुँचने वाला हूँ। तो लंच हो गया मेरा, एक्चुअली भूख जोर से लगी हुई थी और खाने का कुछ खास ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो मिसल पाव दिखा मुझे, तो अभी तो वही खाया मैंने। और यहाँ से 5 घंटे के आसपास दिखा रहा है मुझे बागा बीच के आसपास ही मैं कहीं रुकने का देखूँगा। 256 किलोमीटर यहाँ से है, कोल्हापुर अभी 50 किलोमीटर है। काफ़ी देर से गाड़ी रिजर्व में लगा हुआ है और तभी से मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला है। ये आई सॉ द पेट्रोल पंप फाइनली। गाड़ी जब तक आपको खींच रही है ना, अच्छी बात है, जब आपको खींचना पड़ जाए ना गाड़ी को तब वाट लगती है, एंड थैंक गॉड उससे पहले ही मुझे पेट्रोल पंप दिख गया। आगे भी नहीं है,
तो इस वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था। आई होप कि मुझे मिल जाए पेट्रोल पंप कोई दूसरा। मुझे लग रहा है कि इस पे है पेट्रोल और इस वजह से थोड़ी भीड़ भी है। ओह माय गॉड, सो मेनी पीपल। इस पे जाऊं, इस पे जाता हूं। इसके आगे भी होगा, यहाँ पे काफी भीड़ है। आगे देखता हूँ कोई पेट्रोल पंप है कि नहीं। होगा ही, यहाँ पे पेट्रोल लेने में 35 से 40 मिनट लगने वाला था। ये पेट्रोल पंप अंदर के साइड है और इसके पास पेट्रोल और भीड़ भी कम है। वेल गुड, टाइम सेविंग स्टेप। वहाँ पे कम से कम हाफ एन आवर तो लग ही जाता पेट्रोल लेने में। टंकी फुल करना। यहाँ से 37 किलोमीटर के बाद इस हाईवे को छोड़ना है और गोवा के लिए टर्न लेना है फाइनल। कोल्हापुर में क्रॉस कर रहा हूँ अभी। मैं कर्नाटका में घुस चुका हूँ और एक्चुअली महाराष्ट्र, और जब मैं गोवा के लिए टर्न लूँगा आफ्टर 25 किलोमीटर तो फिर कभी कभी मैं महाराष्ट्र में आ जाऊँगा, कभी कर्नाटका में। तो ये ऐसे ही बॉर्डर है हमारा, गोवा वाला बॉर्डर महाराष्ट्र कर्नाटका का। बट अभी मुझे लेना पड़ेगा 10 मिनट का ब्रेक। 4:50 हो चुका है और 5 o'clock से मेरी मीटिंग है। आई नीड टू टेक 10 मिनट्स ब्रेक। आई एम जस्ट फाइंडिंग कुछ ऐसा जगह मिल जाए जो थोड़ा क्वाइट हो। और होटल श्री राम, तो यहाँ मैं लेता हूँ 10 मिनट का ब्रेक टू अटेंड माय ऑफिस मीटिंग और फिर चलते हैं। वाला टर्न है वो जो मैप दिखा रहा है। मैं एक बार कंफर्म हाईवे को छोड़ने के लिए बोल रहा है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि गोवा का यही रास्ता है। तो गोवा के लिए मैंने ले लिया है टर्न और अब ये रास्ता गोवा के लिए। यहाँ से 148 किलोमीटर गोवा और आई थिंक ऐसा ही रास्ता जाएगा गोवा तक। हालांकि गोवा में घुसने के बाद बड़ा हाईवे आ जाता है बट ये रास्ता ऐसे जाएगा। और अब हम महाराष्ट्र में आ गए, मतलब महाराष्ट्र से आए कर्नाटका में, फिर कर्नाटका से फिर महाराष्ट्र और फिर आगे कहीं पे हम कर्नाटका में जाएंगे। तो ये अब लुका छिपी चलता रहेगा महाराष्ट्र कर्नाटका का जब तक हम गोवा के बॉर्डर में ना घुसें। अच्छा लग रहा है, शाम हो गया और थोड़ी थोड़ी ठंड हवा हो रही है तो मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक। और ये रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है जहाँ तक मुझे याद है। मैं पहले आ चुका हूँ लेकिन बहुत पहले, लगभग ये 3-4 साल पहले आया था मैं। 2016 में आया था मैं। मैं तो निकल गया बट मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे आने वाला है। कर्नाटक में
तो रिलैक्सेशन का भी टाइम नहीं है। ओके ये चल रहा है रेस। ये चल रहा है रेस। लकी टू सी डैट, बहुत मन था ये देखने का। वाव ऑसम। अम्बोली यहाँ से 55 किलोमीटर पड़ता है और जहाँ तक मुझे पता है कि अम्बोली का ही वो घाट है जो बहुत ही बड़ा घाट है, वो आई थिंक 12 से 15 किलोमीटर का घाट है वो, उसको कवर करना होता है इसमें। और वन ऑफ द बेस्ट डेस्ट, वाव लुक एट द व्यू। वहां दूर में रिवर दिख रहा है, डैम दिख रहा है वहां पे। Look at the view. जबरदस्त, बहुत ही पुराना ब्रिज लग रहा है। मैं अभी गुजर रहा हूँ फॉरेस्ट एरिया से। यहाँ पे साइन बना हुआ था जानवर वगैरह का, मेरा भी हो गया तो अम्बोली का घाट क्रॉस करते हुए। और यहाँ जगह जगह वाटरफॉल का सीन है। अभी बारिश का टाइम नहीं है, फिर भी बहुत जगह पानी जैसा गीला हो रखा था रोड। लौटने में जब दिन में कवर करूंगा तब आपको प्रॉपर दिखेगा। सही बताऊं तो जब अकेला पड़ता हूं ना कुछ देर तो डर सा लगने लगता है। इंटर्ड इन गोवा और आप देख सकते हैं रौनक ही बदल गया। मेरे जज्बात बदल गए। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं बागा बीच के पास, तो मैं होटल ढूंढ रहा हूं। एक बार होटल मिल जाए फिर मैं कनेक्ट होता हूँ। ये बागा बीच का मार्केट है। रिजॉर्ट किधर है? रिजॉर्ट किधर है? इधर ही है रिजॉर्ट।
कौन सा यही है? हाँ हाँ, चौक के अंदर बाइक लेके रिसेप्शन किधर है वहाँ पे?